हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऑसिलोस्कोप टाइप मल्टीमीटर से जो डिस्प्ले की मीपी लाइन होती है, जो सिग्नल लाइन होती है, उस पर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका जो ग्राफ्स है वो मैं आपको आज नाप के बताऊंगा। उसके लिए ये वाला ऑसिलोस्कोप वाला मल्टीमीटर चाहिए और ये कॉम वाला आपको ग्राउंड कर देना है। ग्राउंड आप कहीं पर भी कर सकते हो इसको। ये ग्राउंड कर दिया है हमने। अब ये मोबाइल को जो ऑन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मोबाइल ऑन है। ये मोबाइल ऑन हुआ। अब जो डिस्प्ले की लाइन है उसके लिए हम ऑसिलोस्कोप को डीसी पे रखेंगे और ऑसिलोस्कोप का जो वोल्टेज है हम वोल्टेज रखेंगे 1 वोल्ट पे। तो वोल्टेज बढ़ा देते हैं 1 वोल्ट, या आप सीपीयू की लाइन जो भी चेक करनी है तो आप डाउन में भी चेक कर सकते हो। तो 0.5 वोल्ट पे रखना है आपको। अब यहाँ पे जो ट्रिगर है वो ट्रिगर पे हम रखेंगे और हम जैसे ही यहाँ पे फ़ोन ऑन होगा जो डेटा हो गए, ये देखो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो एक लाइन है उसके डेटा कंप्लीट हमारे पास आ रहे हैं। अगर इसको ध्यान से देखना है तो हम मोड को चेंज करेंगे, ग्राफ को और पास में ले आएंगे और ये कंप्लीट डेटा सेंड आ रहा है सीपीयू से। हम दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, दूसरे पॉइंट पे भी डेटा कंप्लीट आ रहा है, आप देख सकते हो ये डेटा। और उसके बाद जितनी भी मीपी लाइन है, जैसे डिस्प्ले आपकी ब्लैंक आ रही है सीपीयू से है या रीसेट सिग्नल प्रॉब्लम है, तो इसके थ्रू आप नाप सकते हो कि आपकी सीपीयू लाइन प्रॉब्लम है या किसका प्रॉब्लम है। आराम से ये देखो ये डेटा आ रहा है सारा हमारा। ये मीपी के जितने भी रजिस्टर है हमारे पास उसके ऊपर हमको प्रॉग रखना है। जैसे हम प्रोग रखते हैं यहाँ पे जितनी भी डिस्प्ले की सिग्नल लाइन है, ये देख लो सारे पे डेटा कंप्लीट आ रहे हैं। अगर आपको ये देखना है कि ये कितनी सेकंड में आता है, तो हमने 1 माइक्रो सेकंड रखा हुआ है, तो हम टाइम पीरियड को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा टाइम पीरियड में कितना डेटा आ रहा है वो देखने के लिए आप ज़्यादा टाइम पर बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर डेटा आपको देख सकते हो कि ये डेटा जो आ रहा है, ये डेटा है जो हम 50 नैनो सेकंड के अंदर हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सेकंड बढ़ाते हैं उसके डेटा इस टाइप से हमारे पास आते जाएंगे। ये देख सकते हो आप, जैसे जैसे मैं टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ, हमको कम से कम टाइमिंग के अंदर रखना है ताकि हमको डेटा कम्प्लीटली देख सके। ये देख सकते हो मैंने 10 माइक्रो सेकंड किया हुआ है और ये डेटा कम्प्लीटली यहाँ पर सेंड आ रहा है। हम सारी मीपी लाइन इस टाइप से चेक कर सकते हो, सीपीयू से आने वाली जितनी भी मीपी लाइन है ये सारी लाइनें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं सिग्नल की। अगर आपकी डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको प्रोटोकॉल जानना ज़रूरी है। प्रोटोकॉल अगर आपको पता है तो डिस्प्ले की जितनी भी सिग्नल लाइनें हैं उसके ऊपर हम सारा डेटा और ये पल्स हम नोट करके रख सकते हैं। इसके थ्रू हमको पता चलेगा कि डिस्प्ले के कौन सी लाइन मिसिंग है, कौन सी लाइन नहीं मिसिंग है। ये देख सकते हो आप डेटा कंप्लीट। तो उसके लिए आपको कंपलसरी एक डेड फोन या आपकी जो डिस्प्ले नहीं आ रही है वो फ़ोन चाहिए और ये ऑसिलोस्कोप के थ्रू आप सारे सिग्नल लाइन माप सकते हो। और ये सारा सब कुछ सिखाने के लिए आपको वीफिक्सिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। वीफिक्सिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैं ये सारी सिग्नल लाइनें हैं जो भी है, ये सारी लाइनें मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि किस टाइप से सीपीयू के ऊपर एक डिस्प्ले का वर्किंग क्या रहता है और किस टाइप से ये डिस्प्ले के अंदर वर्क करता है। ओके दोस्तों, तो ये देख सकते हो आप, मैं फिर से मोबाइल ऑन ऑफ कर रहा हूँ और फिर से आपको एक बार डाटा की लाइन जो भी है सीपीयू की वो मैं आपको पल्स दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो जैसे जैसे हम टाइम पीरियड कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो डेटा का जो ग्राफ है वो अलग अलग टाइप से चेंज होगा। और हम 5 नैनो माइक्रो सेकंड पे कर दे रहे हैं, ये आप देख सकते हो 5 नैनो सेकंड के अंदर हमारे डेटा कैसे आ रहे हैं। उससे भी कम होगी 2 नैनो सेकंड में, देख लो ये डेटा। और इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे इसको स्टॉप कर दिया तो यहाँ पे होल्ड भी हो जाएगा
होल्ड का बटन भी दिया हुआ है और इस टाइप से हम ग्राफ देख सकते हैं एक फ़ोन के एलसीडी का।